पास्टर जी, इस भाई का नाम परवेज एंथनी है और इनकी गवाही है कि 7 महीने पहले कहते हैं कि इन्हें ट्यूमर हो गया था और कहते पता ऐसे चला कि टॉयलेट के साथ ब्लड आने लगा और पेट में कहते बहुत ही पेन रहने लगा और पूरी बॉडी में वीकनेस रहने लगी। जब इटली के सेंटो स्टेफानो हॉस्पिटल में लेकर गए तो कहते हैं इनकी कोलोनोस्कोपी हुई। कोलोनोस्कोपी यानी कि इनके नीचे प्राइवेट पार्ट पे कहते हैं कि कैमरा डाल के इनकी बड़ी आंख से कहते हैं कि मांस का टुकड़ा लिया गया। Praticamente è stato introdotto, è stato rimosso una parte della sua parte intima per fare una diagnosi sopra. और जब उसका टेस्ट हुआ, e quando è arrivato il referto, तो डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी बड़ी आंत में कॉलन ट्यूमर हो चुका है। Praticamente è stato colpito dal tumore. इन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। È stato ricoverato. और बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। Si trovava in una condizione molto critica. और बिल्कुल डेथ बेड पर थे। E praticamente non riusciva più a muoversi. 6 महीने लगातार मेडिसिन खा रहे थे। 6 mesi ha preso le medicine. लेकिन कोई भी आराम नहीं आ रहा था। Ma non vedeva cambiamenti. लेकिन कहते इनका फेथ परमेश्वर पर था। Ma aveva la fede su Dio. वो ट्यूमर था इनके पेट में बड़ी आंत में। Il tumore che si trovava all'interno della sua pancia. और जिसके कारण ये डेली मर रहे थे। Okay, एक सेकंड। giorno dopo giorno. माइक देना आपको। ब्रदर परवेज। जी। आपने कहा 9 मंथ से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में ट्यूमर था। जी। और उससे होता क्या था आपके ब्लड? उसके ये कि होमोग्लोबिन जो कम हो रही थी, मतलब कि ब्लड जो कम हो रहा था जिस्म से। क्यों कम हो रहा था? क्योंकि जब बाथरूम टॉयलेट जाता था तो वो ब्लड ब्लीडिंग होती थी। ओके, आपको कैंसर ट्रीटमेंट दिया गया। जी। कीमोथेरेपी दी गई। कीमोथेरेपी। ओके, सारे ट्रीटमेंट के बाद भी आपको कोई फर्क नहीं था? नहीं, कोई फर्क खास नहीं पड़ा। और किस दिन आप पर प्रार्थना हुई थी? ले हैंड हुई थी 15 अक्टूबर को। और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया और एक बाल भी मेरा उतरा नहीं है।